यूपी बोर्ड के हजारों ऐसे छात्र हैं जिनकी मार्कशीट में कोई मार्क्स नहीं दिया गया है। मेरठ के क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय में अब तक 17,000 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता अभिषेक शर्मा। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में एक खुशी हुई थी सब बच्चों को कि पूरे साल अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई तो पूरे देश के बच्चों के साथ यूपी बोर्ड के बच्चों को भी प्रमोट कर दिया गया, यानी कि वो ट्वेल्थ कर चुके अब ग्रेजुएशन की तहलीज पर कॉलेज चले जाएंगे। कॉलेज जाने की खुशी जो होती है वो कुछ बच्चों से महरूम हो गई है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालय पर इसलिए जमा हैं कि इन्हें प्रमोट तो लिख दिया मार्कशीट में लेकिन नंबर ही नहीं दिए, ट्रिपल एक्स चढ़ा दिया है। ये सारी बच्चियाँ और बच्चे जो आप देख रहे हो ये ट्रिपल एक्स के मारे हैं इनकी मार्कशीट में। अभी कुछ बच्चों से बात हुई तो कुछ बच्चों के विदहेल्ड लिख दिया गया है, सारे कागज उनके जमा हैं, टेंथ में अच्छे मार्क्स हैं, इलेवेंथ पास है। जो रेशो बनाया गया था 10वीं में 50%, इलेवेंथ के 40% और इंटरनल के 10%, ये एक फार्मूला बनाया गया था जो प्रमोशन का था। क्या नाम है बच्चे आपका? मैं आरजी कॉलेज से हूँ, मेरा नाम गायत्री रानी है। हमारे 12th क्लास में नंबर नहीं आया, प्रमोट लिखा हुआ है ट्रिपल एक्स, तो हमें नंबर चाहिए बिना एग्जाम दिए हुए। और हमारे 12th की मार्कशीट पे प्रमोट लिखा हुआ आ रहा है। प्रमोट साफ साफ देख सकते हैं कि प्रमोशन तो इन्हें दे दिया गया है नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मार्क्स की जगह टोटल में जो मार्क्स आने चाहिए सब्जेक्ट लिखते हैं लेकिन ट्रिपल एक्स ट्रिपल एक्स ट्रिपल एक्स है। कितनी बार चक्कर लगा चुकी हो यहाँ पर? हम यहाँ 3 बार चक्कर लगा चुके हैं और हमें बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं। 3 दिन से बहुत परेशान हूँ, 3 दिन से मैं यहीं पे हूँ, पूरे दोपहर में शाम को घर जाती हूँ लेकिन कोई भी किसी से सहायता नहीं मिल पा रही है। मेरा भी ऐसे ही आ रहा है सर, इसमें प्रमोटेड ही आ रहा है 12th की मार्कशीट में और सभी बच्चों का ऐसे ही आ रहा है। हम 3 दिन से ऐसे धक्के खा रहे हैं और 1 हफ्ते से स्कूल जा रहे हैं, फिर यहाँ पे बोर्ड ऑफिस आ रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। हम कचहरी भी गए थे, हमने वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दी लेकिन कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। कलेक्टेड डीएम का जी जी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा से लेकर आगरा में खास सतर्कता बरती जा रही है। इसी मसले पर आईजी नवीन अरोरा से खास बात की संवाददाता विनीत दुबे ने सुनी। आगरा सहित आसपास के जनपदों में जन्माष्टमी के त्यौहार पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, आईजी नवीन अरोरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। नवीन जी, क्या कुछ अलर्टनेस बरती जा रही है? जन्माष्टमी का मेन प्रोग्राम हमारा मथुरा में है और कल हम लोग गए थे विजिट में, वहाँ KJS वृंदावन गोकुल बरसाना की जितनी व्यवस्थाएं हैं बाकी बिहारी की सब वो देखी गई और कितने VIP आएंगे, कौन सा रूट लेंगे, पार्किंग कहाँ होगी, ट्रैफिक डाइवर्जेंस कहाँ से लगाने हैं, एंटी सबोटा चेक LIU की क्या भूमिका होगी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से रोकने के लिए क्या तैयारियाँ हैं उनकी समीक्षा की गई है। बहुत अधिक मात्रा में उनको पुलिस बल प्रदान किया गया, लगभग 1,500 से ज़्यादा विभिन्न रैंक्स दिए गए हैं और 8 कंपनी PAC और RAF भी उनको मिल रही है, तो चाक चौबंद व्यवस्था हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल को लेके ये थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं और पब्लिक उसको मान नहीं रही है, तो रिक्वेस्ट हमारी यही रहेगी कि हम लगातार अनाउंसमेंट करें। आगरा में जितने भी बड़ी जगह जहां जन्माष्टमी मनाई जाती है वहां हमारी यही बंदोबस्त प्लान है कि हर जगह एक तो हम मोबाइल ड्यूटी लगा रहे हैं, प्लेन क्लॉथ ड्यूटी है, लेडीज़ की अलग से ड्यूटी लगाई जा रही है, एंटी रोमियो स्क्वाड हमारे घूमते रहेंगे जो महिलाओं और बच्चों की तरह किसी तरह की उनके साथ छेड़खानी घटनाएँ ना हो। मीडिया जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।